नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में तीन अहम खबरों पर चर्चा करेंगे। पहला, एक जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आई है, 1054 पद है और योग्यता इसमें इंटरमीडिएट मांगी गई है। दूसरा, TGT के जो रिकॉर्ड थे वो रद्दी में बिक गए। ऐसी ऐसी घटनाएँ भी उत्तर प्रदेश के चयन बोर्ड में होती हैं। तीसरा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में गड़बड़ी की रिकॉर्डिंग मिली, इसलिए परीक्षा रद्द की गई। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको इस तरह की अपडेट समय पर मिल सके। सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट के पदों की बात करेंगे। 1054 पदों पर भर्ती की जा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जूनियर असिस्टेंट में पेड अप्रेंटिस के 1054 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा है। ये परमानेंट पोस्ट है, 1054 पोस्ट है। नियमित आधार पर जिला अदालतों के लिए ये भर्ती की जाएगी। आरक्षण से जुड़े सभी लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेंगे, यानी कि अन्य राज्य के छात्र भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, वो सब अन्य रिजर्व कैटेगरी में आएंगे। साफ साफ यहाँ पे लिख दिया गया है कि अन्य रिजर्व कैटेगरी में आएंगे, आरक्षण के पात्र नहीं होंगे। योग्यता इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हो, DOEC या NCERT सोसाइटी से कंप्यूटर नीलेट जिसको बोलते हैं कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कोर्स किया हो। DOEC या नीलेट से कंप्यूटर कोर्स अगर आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर पर हिंदी में 25 शब्द और अंग्रेजी में 30 शब्द की टाइपिंग आपको आनी चाहिए। वेतनमान 52,000 रुपये से लेकर 20,200 रुपये वाला पे स्केल आपको मिलेगा। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई है। आयु सीमा की गणना 1 जुलाई 2024 को आधार मान के की जाएगी। चयन प्रक्रिया ऑनलाइन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट होगा। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग EWS और OBC वर्ग के लिए 850, UP के EWS के लिए 750, SC ST वर्ग के लिए 650। बैंक शुल्क का भी भुगतान करना पड़ेगा। बैंक शुल्क भी कुछ लगता है, 10-15-20 रुपये जो भी लगता है वो आपको करना पड़ेगा। ऑनलाइन माध्यम से करना पड़ेगा, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। अब इसमें एक प्रश्न ये उठता है कि PET इसमें ज़रूरी है कि नहीं, तो PET की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। बिना PET के ये वैकेंसी आई हुई है। अगर आप PET नहीं पास हैं या फिर आपने PET में आवेदन नहीं किया था, PET में आप बैठे नहीं थे परीक्षा में, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी खबर ये आप देख लीजिए, लापरवाही की एक हद होती है, जो है 83 पदों पे 18 नवंबर 2021 को विज्ञापन आया था, जीव विज्ञान का TGT बायोलॉजी का विज्ञापन आया था। 5 साल बाद 17 जुलाई 2016 को लिखित परीक्षा करानी पड़ी, वो भी काफ़ी प्रेशर के बाद। परीक्षा भी हो गई, बाद में इन्होंने देखा कि जब परीक्षा कराने के बाद साक्षात्कार का टाइम आया तो 12 जुलाई 2018 को TGT बायो के 2016 के 304 पदों की भर्ती निरस्त कर दी गई। फैसले के खिलाफ अभ्यर्थी कोर्ट गए, तब जाकर 16 में परीक्षा कराई गई और उसके बाद भी कुछ कानूनी अड़चने इसमें फंस गई, लापरवाही इसमें की गई। अभ्यर्थियों ने फिर से याचिका की तो हाई कोर्ट ने लापरवाही पर खासी नाराजगी जताई। हाई कोर्ट की सख्ती पर चयन बोर्ड ने 8 जनवरी 2023 को TGT बायो 2011 की लिखित परीक्षा का परिणाम तो घोषित कर दिया। 2011 की भर्ती 2023 में परिणाम घोषित हुआ, लेकिन साक्षात्कार नहीं कराया, क्योंकि तब तक चयन बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो चुका था। इतना समय बीतने के बाद रिक्त 83 पदों का सत्यापन कराने पर केवल 35 पद बचे। 83 पद उस समय थे जब वैकेंसी आई थी कॉलेजों में, रिक्त थे ये, और 2023 में जब सत्यापन कराया तो केवल 35 पद खाली बचे थे, बाकी पदों पर नियुक्ति हो चुकी थी। इसके बाद अब जब नया आयोग बन गया, चयन बोर्ड तो खत्म हो गया क्योंकि सदस्य उसके रिटायर हो गए और उसके बाद नया आयोग बना दिया गया। तो जब नया आयोग बना तो पुराने आयोग की कुछ परीक्षाओं को क्लियर कराने की बात शुरू हुई। 5 सितंबर को पहली बैठक में ही अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने एक कमेटी गठित करते हुए
टीजीटी बायो 2011 के साक्षात्कार कराने के संबंध में रिपोर्ट मांगी। कमेटी ने दस्तावेज खंगालने शुरू किए तो पता चला कि भर्ती के रिकॉर्ड तो पहले ही रद्दी में बिक चुके हैं। उस भर्ती परीक्षा का जितना भी रिकॉर्ड था वो सब रद्दी में बिक गया। तो चयन बोर्ड ने क्या किया है, चयन बोर्ड ने परीक्षा के रिकॉर्ड नहीं बेचे हैं, छात्रों की किस्मत को रद्दी में बेच दिया है। ये उत्तर प्रदेश का सिस्टम है बेरोजगार छात्रों के लिए। और वो बेरोजगार छात्र जो 2011 से लेकर 2024 तक कानूनी लड़ाई लड़कर यहाँ तक पहुँचे कि उनका लिखित परीक्षा कराया गया, रिजल्ट जारी किया गया, उनके रिकॉर्ड रद्दी में बिक गए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक भर्ती निकली थी, उत्तर प्रदेश प्रावधिक शिक्षा अध्यापन सेवा प्रवक्ता परीक्षा 2021 की भर्ती थी। 20 तारीख को इसकी परीक्षा थी, आज की डेट में इसकी परीक्षा होनी थी, लेकिन इसके पेपर लीक के बारे में, कुछ गड़बड़ी के बारे में कुछ रिकॉर्डिंग मिली है, तो उस रिकॉर्डिंग पे बेस पे ये परीक्षा पहले ही रद्द की जा चुकी है। 16 अक्टूबर को प्रयागराज के सिविल लाइन थाने में 2 के खिलाफ रिपोर्ट भी इसमें दर्ज कराई गई। 8 विषयों की परीक्षा 20 अक्टूबर को होनी थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के उप सचिव धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी ने पुलिस को बताया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट टेक्नोलॉजी भदोही के निदेशक राजीव वार्षने ने आयोग को 14 अक्टूबर को एक ईमेल भेजा था। इसमें परीक्षा में गड़बड़ी के संबंध में 2 लोगों की बातचीत की रिकॉर्डिंग क्लिप भी दी गई थी। रिकॉर्डिंग में इंस्टीट्यूट का कर्मचारी राजीव वर्मा किसी से परीक्षा में गड़बड़ी की बात कर रहा था। इसके बेस पर जो है इस परीक्षा को पोस्टपोन किया गया है, आगे की डेट बाद में आपको बताई जाएगी। अगर ये सारी चीज़ें ना होती तो आज ये परीक्षा हो रही होती। तो इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। कितना भी बड़ा बोर्ड क्यों ना हो, कितना भी बड़ा आयोग क्यों ना हो, बेरोजगार छात्रों के हित में सोचने वाला कोई नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।